हिसाब ऐसा होना चाहिए कि ब्लैंकेट और प्लेट ये अगर बेयरर टू बेयरर कॉन्टेक्ट हो जाए तो 0.15 एक्स्ट्रा गिरे, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा आपस में प्रेशर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर के जरिए इमेज जो है वो प्लेट सिलेंडर से ब्लैंकेट सिलेंडर में आ जाए। फिर ब्लैंकेट सिलेंडर और इंप्रेशन सिलेंडर के बीच में कागज जाता है, कागज इंप्रेशन सिलेंडर और ब्लैंकेट सिलेंडर के बीच में से पास होता है, और जब भी कागज पास होगा तो ऐसा सिस्टम हुआ है कि कागज रहते हुए वो जो स्क्वीज प्रेशर है वो वापस 0.15 से लेके 0.1 का पैदा हो और ब्लैंकेट से इमेज जो है वो पेपर को ऊपर ट्रांसफर हो। आपका जब भी पैकिंग कैलकुलेशन करने का है, जैसे ब्लैंकेट का नीचे का पैकिंग कैलकुलेशन करने है तो भी यही फंडा यूज होता है। अगर प्लेट सिलेंडर का नीचे का कुछ पैकिंग हो तो भी ये फंडा यूज होता है। जब भी इंप्रेशन कागज का थिकनेस आप डालते हो तो नंबर जो लिखते हो वो हिसाब से इंप्रेशन एडजस्ट होता है इंप्रेशन सिलेंडर का, तो इंप्रेशन का दाब जब भी एडजस्ट होता है तो यही फंडा से। ओके, बहुत जगह पे मैं देखा हूं, अभी तो हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग ये चीज कम हो रहा है, तो बहुत जगह पे हम लोग देखा है कि लोग जीएसएम देख के पेपर का थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। कोई करता है ऐसा इधर आप लोगों में? आप पेपर का थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हो? सॉरी, कैलिपर से, मतलब स्क्रू गेज से हम लोग बोलते हैं, है ना? तो स्क्रू गेज और उसका जो जो जगह पे स्क्रू गेज टच होता है, तो दो रॉड आके टच होता है ना, वो जो टच पॉइंट है वो जितना फैल के रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? बड़ा वाला डिस्क टाइप का अगर होगा वो और अच्छा होगा। जो स्क्रू गेज हम लोग नापते हैं वो एक्चुअली इंजीनियरिंग स्क्रू गेज है, जो डिस्क वाला गेज आता है सामने वो डिस्क वाला रहता है, थोड़ा चौड़ा रहता है, जो जगह पे दोनों टच होता है वो चौड़ा रहता है, वो कागज नापने के लिए जा रहा है, ठीक है? और उसका जो टेंशन है, आपस में दबाने का जो टेंशन है वो भी एक मॉडरेट टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा दबाव है तो वो अपने आप ट्विस्ट करेगा, कागज के भी दबा देगा, तो उसके ऊपर एक फ्री व्हील रहता है जो एक जगह पे आके फ्री हो जाता है। ऐसा गेज हम लोग को यूज करना चाहिए और जीएसएम देख के हम लोग कभी भी पेपर का थिकनेस नहीं नाप सकते, नाप सकते है कोई? क्योंकि जीएसएम जो होता है वो ग्रामेज होता है। मेरे को एक स्टोरी याद आ रहा है, पहले के जमाने में स्कूल में ना इंस्पेक्टर आता था, स्कूल में बड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है क्या वो देखने के लिए, तो एक जगह पे ऐसा इंस्पेक्टर आया और एक इंस्पेक्टर आके बच्चे को उठाया, बोला क्या गणित आता है क्या? हाँ आता है, ठीक है, तेरे को गणित बोलता है बोल। तभी के जमाने में सब लोग सब कुछ सस्ता था, वो बोलता है कि आलू का भाव 2 रुपया पर 1 केजी है, तो बोल मेरा उबर कितना है? सब लोग तो देखते रह गए, बोला क्या बोल रहे हैं, आलू का भाव 2 रुपया केजी और उसको उबर का क्या संबंध है? बट वो लड़का बहुत होशियार था, कि आलू का भाव के साथ इसका उम्र का क्या संबंध है? बट वो लड़का बहुत होशियार था, फटक से बोला सर आपको उम्र 40 साल। तो ये बहुत इंटरेस्ट हो गया जो इंस्पेक्टर आया था, तो बोलता है अभी ठीक है इधर आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, ऊपर आ जाओ, सबको बोलो कैसे आप ये गलत किया। वो बच्चा तो आके खड़ा हो गया, तो बोलो बोलो सबको बोलो, तो बोलो सर हाँ बोलो, मारेंगे तो नहीं? नहीं नहीं मारेंगे नहीं, बोलो तुम मारेंगे नहीं ना, प्रॉमिस करो। बोला हाँ प्रॉमिस किया, बोलो अभी अभी तो बोल क्या हो गया, बोल कैसे तू गलत किया? बस सबको बोला भाई ये बहुत सिंपल मैथ था, मेरा मोहल्ले में एक आधा पागल है,
उसका उम्र 20 साल है, इसके लिए इसका 40 बोल दिया। ऐसे ही हालत है। अगर हम लोग ये से बोलेगा तो कागज का 1 मीटर बाई 1 मीटर एक टोकन काटे और उसको हम लोग वजन करें तो जितना ग्राम उसका वजन होगा उसको बोलते हैं 1 GSM, वो कागज का वजन होता है। अगर उसको वजन देख के हम लोग उसको मोटापा कितना थिकनेस है वो हम लोग कैसे नाप सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है। बहुत लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं बट ये फॉर्मूला पेपर के लिए चलता है, बोर्ड के लिए नहीं चलता। बोर्ड के लिए अलग अलग उसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली पेपर को हम लोग अनुमान अच्छी तरह लगा सकते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं लगा सकते। इसके लिए कोई भी GSM देख के, कोई भी GSM देख के कागज का थिकनेस मत लगाइए, उसको गिन के ही लगाना चाहिए, यही उसका तरीका है। इसके बारे में किसी का कुछ पूछने का है, कुछ सवाल है, या आपका मशीन में ऐसा कुछ अनोखा है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को हाइडलबर्ग मशीन के बारे में ज़्यादा मालूम है, दूसरा कंपनी का मशीन के बारे में उतना मालूम है। आप बोल रहे हैं कि ब्लैंकेट में जो मान लीजिए एक लंबा जॉब चला है उसका इमेज ब्लैंकेट में बैठ जाता है, ये आप कन्वेंशनल बात कर रहे हैं या यूवी का बात कर रहे हैं? ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये यूवी में दिखा जाता है। इसका कारण मेनली जो होता है वो होता है इंक के साथ आपका ब्लैंकेट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट का जो ऊपर का लेयर है हम लोग थोड़े से बाद उसको देखेंगे, ब्लैंकेट का जो ऊपर का लेयर है उसमें भी छोटा 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 छेद रहता है। अगर आपका इंक उसमें घुस के वो परमानेंटली वो जगह पे बैठ गया, वो छेद से ना निकल रहे तो वो एज ए इमेज कैरियर काम करते हैं, तभी वो इमेज ब्लैंकेट के ऊपर परमानेंट जमा हो जाता है। उसको अगर निकलने के लिए अभी काफी केमिकल्स आता है, ब्लैंकेट रिवाइवर करके कुछ केमिकल्स आता है जो ब्लैंकेट को वापस उगा देता है, जगह पे लेके आता है। पुराना दिन में कीटोन यूज करता है, आज का दिन में कीटोन वगैरह कम यूज होता है, हम लोग कीटोन यूज नहीं करने के लिए बोलते हैं। जो एसीटोन मारता है बोलता है ना, पहले ब्लैंकेट में ऐसा होता तो एसीटोन मारता है, देखिए कोई कोई उसके भी पहले जमाने में पाउडर भी मारता था उसके साथ। तो फिर हम लोग को वो मशीन का प्रेशर जो है वो चेक करना जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि उसको ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है कि वो जो इमेज है वो बहुत जल्दी परमानेंट इमेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर सेम ब्लैंकेट दो जगह पे यूज़ करते हैं, और भी एक कारण हो सकता है, बाकी दो जगह पे अंडरले के साथ अगर यूज़ होता है तो हो सकता है कि प्रेशर का इम्पैक्ट उतना ना हो। जो मशीन में अंडरले यूज होता है, मतलब रबर का अंडरले यूज होता है ब्लैंकेट का नीचे, उसमें प्रेशर का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। मेरे को बहुत जगह पे बोला है कि पुराना मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं होता, नया मशीन में होता है। तो इसका कारण हम लोग अभी देखा है, तभी देखा है कि पुराना मशीन में अगर ब्लैंकेट और प्लेट का बीच में अगर हम लोग कुछ प्रेशर गेज डालें, हमारे पास डीजी डीप करके एक स्पेशल गेज है, वो गेज से हम लोग प्रेशर नाप सकते हैं। अगर वो डाल देगा तो एक्चुअल प्रेशर जो है पुराना वाला ब्लैंकेट में कम है, क्योंकि उसमें रबर का अंडरले डाला हुआ, पैकिंग जो है रबर का पैकिंग डाला हुआ है। और अभी जो पैकिंग ब्लैंकेट आता है नया मशीन में, मैक्सिमम वो जगह पे हम लोग कैलिब्रेटेड पेपर यूज करते हैं। जब कैलिब्रेटेड पेपर यूज होता है तो मोर प्रेशर रहता है। हाँ, अगर रबर का अंडरले है तो हो सकता है उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर उतना ना हो जो आपका दूसरा मशीन में हो रहा है। ये दो मशीन का बीच में फर्क होता है, एक चांसेस। प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो जल्दी इमेज बनेगा ब्लैंकेट के ऊपर।
ब्लैंकेट के ऊपर जो इमेज बनने का मतलब परमानेंट इमेज बनने का जो प्रोसीड्योर है वो और ज्यादा जल्दी होगा अगर आपका प्रेशर ज्यादा है, उसके हिसाब से आप लोग को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखा है कि इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है थ्री डायल गेज से हमको नापने का है। थ्री डायल गेज में तीन डायल रहता है, उसमें दो डायल एक तरफ रहता है, एक सिंगल डायल दूसरे तरफ रहता है और बीच में एक होल्डिंग नॉब रहता है। होल्डिंग नॉब को पकड़ के हम लोग दो डायल को ब्लैंकेट के ऊपर रखते हैं और तीसरे डायल को रखते हैं बेयरर के ऊपर और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग नाप सकते हैं। जैसे आपको फोटो में दिखे टॉर्क रेंज, टॉर्क रेंज एक आज के जमाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी टूल्स है। इसका कारण है कि पहले जमाने में हम लोग जो ब्लैंकेट लगाते थे हम लोग ब्लैंकेट को बार के ऊपर हम लोग माउंट करते थे बाय बोल्टिंग। आज के जमाने में जो ब्लैंकेट्स लगता है वो ऑलरेडी बार ब्लैंकेट आता है, वो बार पेस्ट होके आता है और अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा खींचेंगे वो पेस्टिंग से निकल जाने का चांस है, ठीक है, या बहुत कम खींचेंगे तो वो ब्लैंकेट जो है वो ब्लैंकेट में डबलिंग आने का चांसेस है, वो शार्पनेस जो इमेज में आना चाहिए वो कम हो जाता है। इसके लिए हमको ये टूल्स का ज़रूरत है। ये टूल्स क्या करते हैं कि एक प्रॉपर टॉर्क में ब्लैंकेट को टाइट करते हैं, तो जो भी ब्लैंकेट टाइट करे और जितना नंबर का ब्लैंकेट हो जाए वो चार प्रिंटिंग यूनिट वाला हो या छः प्रिंटिंग वाला यूनिट वाला हो या 12 प्रिंटिंग यूनिट वाला हो, सभी प्रिंटिंग यूनिट एक सरीका टाइट हो। इसके लिए हम लोग टॉर्क रेंज यूज़ करते हैं। अलग अलग मशीन में अलग अलग टॉर्क होता है। एक कॉमन फार्मूला है आपका जो प्रिंटिंग लेंथ है सेंटीमीटर में उसका 10% कम और उसको राउंड फिगर, ऐसा हमारा जो मशीन है उसमें क्या क्या टॉर्क चाहिए वो इधर लिखा है, वो हिसाब से अभी एक्सेल 105 और एक्सेल 106 के लिए हम लोग थोड़ा सा टॉर्क और बढ़ाया है, 70 किया है। बट ये टॉर्क अगर हम लोग वेरी जेन्युइनली बात करें तो ये मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं बोलता है, एक्चुअली बोलता है ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि कौन सा ब्लैंकेट कितना एक्सपर्ट हो रहा है वो ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर ज़्यादा अच्छा बोल सकता है। ये आपका एक अनुमान करने के लिए दिया है जो एक थम रूल्स है, बट ओरिजिनली एग्जैक्टली बोल सकता है ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर। हाइडलबर्ग जो टॉर्क का बात कर रहा है वो हाइडलबर्ग का जो ब्लैंकेट्स है परफेक्ट डॉट MFX उसका हिसाब से ये आंकड़ा जो है आपके सामने है। और मेरा हिसाब से मैक्सिमम लोग टॉर्क रेंज यूज करते हैं। टॉर्क रेंज यूज करते टाइम और एक चीज बहुत ध्यान से मैं बोलूंगा जो आज का दिन में काफी दिख रहा है कि उसका आगे जो हेक्सागन हेड रहता है वो हेक्सागन हेड को दो तरीका का हेड आता है। एक ओरिजिनल उधर हेक्सागन रहता है मतलब छह भुजा वाला आपको हेक्सागन दिखेगा हेड के अंदर और एक में दिखेगा ऐसा गोल 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 जो वो काम करता है लेकिन उसको आप लोग बोलते हैं क्विक सेट बोलते हैं, क्विक सेट मॉडल होता है। बट वो क्विक सेट मॉडल से आपका जो आगे का हिस्सा है वो भी जल्दी ख़राब होता है और हमारा जो बोल्ट्स है वो भी जल्दी ख़राब होता है। वो अगर ऐसा हेक्सागन हेड्स जो है वो हेक्स होना बहुत ज़रूरी है और ये हेड्स को लूज नहीं होना चाहिए, वो रॉड के साथ उसको वेल्डिंग किया रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जगह पे हमारा हम लोग देखा है कि वो उतना माथा उधर रह गया और मशीन चालू कर दिया एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हुआ है। इसके लिए हमेशा बोलता है हम लोग कि वो पूरा रॉड के साथ माउंट रहा। हाइडलबर्ग का है तो हाइडलबर्ग का जो टूल्स है उसमें वो जो रॉड है उसके साथ हेक्सागन पूरा वेल्डिंग किया हुआ रहता है एक ही साथ। डैम्पिंग सोल्यूशन के बारे में जो डैम्पिंग सोल्यूशन उसको बोलता है जो हम लोग मशीन में यूज करते हैं फाउंटेन सोल्यूशन अल्कोहल और पानी मिक्स होने के बाद। बट इसमें सबसे जरूरी बात है जो रॉ वाटर हम लोग यूज करते हैं, वाटर जो प्लेन वाटर यूज कर रहा है उसका हार्डनेस 8-12 DH मतलब जर्मन हार्डनेस का हिसाब से होना चाहिए। जो pH है वो 6.8 से लेकर 7.2 का बीच में होना चाहिए। जो कंडक्टिविटी है 300 से 500 माइक्रोसीमेंस के बीच में होना चाहिए। अगर ये है तो बहुत अच्छा है।
फिर ये जब हम लोग फाउंटेन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो उसका पीएच 4.8 से लेके 5.2 का बीच में हम लोग रहना चाहिए। कुछ कुछ मेटालिक इंक के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं कि उसका रिएक्शन कम हो एसिड के साथ, तो आप 5.5 तक बोलते हैं। नॉर्मली जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये जो एम्बियंट एयर है, मतलब आपका जो वातावरण है, वातावरण से 10 से 15 डिग्री कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका बाहर का वातावरण 30 डिग्री है और आपका डैम्पिंग वाटर का टेम्परेचर 10 पे रखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होगा, जो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि आपका डैम्पिंग वाटर का टेम्परेचर आप 15 में रखो, बट आप चाहे तो वो हिसाब से 10 से 12 पर रख सकते हो। अगर आपका रूम टेम्परेचर 20 है तो आप उसको थोड़ा नीचे रख के 9 पे रख सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग 8 या 7 अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि अगर 8 या 7 रखेंगे तो स्टील रोल के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, जो क्रोमियम रोल होता है स्टील रोल, पैन रोल के ऊपर जो रोल बैठता है वो रोल पे उसका इफेक्ट होता है। इसके लिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा कम नहीं होने का बोलते हैं। आपका शुरू में जब भी अल्कोहल नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 8 से 12 टक्का अल्कोहल, फाउंटेन सोल्यूशन और पानी तीनों मिक्स होने के बाद आपका जो भी कंडक्टिविटी दिख रहा है उससे और 1000 कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो चलेगा, ये हमारा मानना है। कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है मैं बोलूँगा कि उसका जो फ्री मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, या उसमें मिलावट क्या है। एक पानी में आप ऑलरेडी कुछ चीज़ मिला रहे हो तो उसका मिलावट का आंकड़ा कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके लिए कंडक्टिविटी आपका कुछ ना कुछ दिखेगा। नॉर्मली हम लोग देखा है कुछ 800, 900, 1000, 1200 तक ऐसे कंडक्टिविटी रहता है शुरू में। अगर शुरू में आपका जो भी कंडक्टिविटी है, जैसे जैसा आपका मशीन चलते रहेगा उसमें इंक का पार्टिकल्स मिलेगा, पेपर का भूसा आएगा, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, उसका कंडक्टिविटी आपका बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा आपका, वो मशीन उतना जो पानी है उतना वो गंदा होते जाएगा, वो और 1000 कंडक्टिविटी आपका बढ़ेगा, तो आपके लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। बट देखा जाएगा तो हम आज का दिन में 1800 के ऊपर कंडक्टिविटी जाएगा तो देखा है हम लोग कि वो प्रिंटिंग का जो काम है, प्लेट साफ रखने का काम जो है मेन, वो उसको ठीक से नहीं कर पाते। इसके लिए 1800 के नीचे होना अच्छा है, बट हम लोग बोलते हैं 800 से लेके 1800 का ये जो रेंज है ये सबसे रेंज अच्छा रेंज है प्रिंटिंग के। No, it is for the dampening solution. Room should be around 22 to 25. Dampening solution? No, dampening solution should be 10. The difference should not be more than 15 degree. If it is more than 15 degree, then chances of sweating will be high. एग्जैक्टली ये गैप थोड़ा बढ़ता है। इस अगर मान लीजिए 28 तक भी गया एज ए मतलब थ्योरी के बाद बाहर जाके अगर हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें तो हम लोग देखा है कि 28 तक भी जाएगा तो इट विल बी नॉट हैम्पर टू मच, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री योर रूम टेम्परेचर, देन इट विल बी डेफिनेटली अफेक्ट। इफ इट इज मोर देन 30 डिग्री दैट मीन्स योर गैप इज मोर देन 20 डिग्री, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट, इट विल स्पॉइल योर I can say the insulation of the water tray very fast. इसपे भी काफी modification हुआ है। अभी जो material आ रहा है water tray का वो metal नहीं है, वो industrial plastic का आ रहा है, जिसमें ये sweating काफी कम हो गया है। But anyway, we have to live with the old water tray also. So the basic funda is that the gap should not be more than 15 degree. Practical situation, it should not be more than 20 degree at all. Another point, और एक चीज mention करना चाहता हूँ वो है कि बहुत सारा machine में हम लोग का ink unit temperature control रहता है, मतलब जो inking unit का
रोलर्स रहता है उसके अंदर भी ठंडा पानी का प्रभाव रहता है ना, वो क्या करता है इंकिंग यूनिट का टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि वो जो टेम्परेचर कंट्रोल का जो सेट है वो हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर का आजू बाजू रहना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं लाना चाहिए। अगर हमारा मान लो 25 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर है तो वो 20-22 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसा हम लोग बोला है सर, जैसे बात कर रहे थे कि हमारा 28 डिग्री नॉर्मली मैक्सिमम जगह पे 27-28 डिग्री रूम टेम्परेचर जो भी हम लोग सेट करते हैं 25 या 23 में सेट करता है तो भी वो 28 तक रहता है। आपका इंकिंग यूनिट टेम्परेचर उतना ही रखो, उससे ज़्यादा कम मतलब उससे कम रखेगा तो हो सकता है कि आपका रोलर में पानी चढ़े, पानी का स्वेटिंग आ जाए, ठीक है। वाटर हार्डनेस स्ट्रिप आता है मार्केट में जिससे हम लोग वाटर का हार्डनेस, जैसा हम लोग बात किया है कि प्लेन वाटर का हार्डनेस चेक करने का जो 8 से 12 होना चाहिए, तो ये डिफरेंट वाटर हार्डनेस का स्ट्रिप आता है जिसको हम लोग पानी में डालेंगे तो जैसा हार्डनेस बढ़ता है वो एक एक करके उसका जो चोकर बॉक्स है वो लाल होते जाता है, बिल्कुल लाल लाल हो तो वो वेरी सॉफ्ट है, वो हमको नहीं चाहिए। जो मीडियम सॉफ्ट है 4 to 7 degree DH वो थोड़ा सा सॉफ्ट है हमारे लिए, सबसे बढ़िया है मीडियम टाइप का वाटर या सॉफ्ट मीडियम टाइप का वाटर, ये दोनों का बीच वाला जो वाटर है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 8 से 12 degree हमारे लिए सबसे अच्छा है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा हार्ड पानी हो जाएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर नॉर्मली प्लेन वाटर नॉर्मली जब हम लोग प्लेन वाटर लेते हैं तो हफ्ते में एक बार चेक, नॉर्मली प्लेन वाटर लेते हैं तभी हम लोग को चेक करना चाहिए। बट जब भी मॉनसून का टाइम आता है या अगर आप टैंकर मंगा रहे हो, कोई कोई जगह पे टैंकर मंगा रहे हैं वो तभी टैंकर भी चेक करना चाहिए कि भाई ये टैंकर जो सप्लाई कर रहा है ये सही है कि नहीं, या किसी का आरओ प्लांट है तो वो रेगुलरली चेक होता है आरओ प्लांट। बट मानसून का टाइम पे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देता है, एटलीस्ट दिन में एक बार हम लोग चेक करते हैं क्योंकि मानसून में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब जमीन से सॉल्ट कंटेंट अलग अलग मतलब मिक्सिंग होता है, हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए केमिकल जो है वो हार्डनेस कम करने का केमिकल नहीं होता है, हार्डनर मिलता है जो हार्डनेस बढ़ाता है। प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो हमारे पास जो अगर आरओ प्लांट हमारे पास है तो हम लोग आरओ को वो हिसाब से मॉड्यूलेट करता है कि उतना ही हार्डनेस मिले। अगर हार्डनेस ऐसा आरओ प्लांट नहीं है और बाहर का वाटर आ रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा जाए कि उसमें थोड़ा सा हार्डनर मिला है, आइदर हार्डनर मिलाओ या हार्ड वाटर मिलाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास हार्ड वाटर ही आ रहा है तो क्या करें, ऐसा स्थिति में प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है कि आपका एसी से जो ड्रॉपिंग होता है जो पानी उसको थोड़ा मिलाएंगे तो फटाफट वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, एसी से जो पानी निकलता है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप वो कुछ हिस्से में मिला दो तो आपका हार्ड वाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। नॉर्मली हम लोग जब पानी इंस्पेक्शन करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो रेगुलर सप्लाइड वाटर है उसमें क्या हार्डनेस है, वो हार्डनेस को देख के हम लोग फिर आपको बोलते हैं कि आप 20% 40% मिलाओ या ये 80-20 में इसको रेशियो रखो या 40-60 में इसको रेशियो रखो, ऐसा दो तरीके का पानी मिला के वो बनाओ। कोई कोई बोलता है नहीं मेरे को बिस्लरी का ही, बिस्लरी में मेरे को पैकेज वाटर यूज़ करने का है, अगर पैकेज वाटर यूज़ कर रहे हो तो फिर उसमें हार्डनर मिलाना जरूरी है। बट एनीवे हार्डनर मिलाना और एक प्रोसीड्योर हो गया, फिर उसके लिए डोजर अलग हो जाता है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि नो आई डोंट वांट एनी ऑल टाइम डेविएशन, तो उसके लिए डबल डोजर हम लोग यूज़ करने को बोलते हैं कि एक डोजर हार्डनर के लिए फिर एक डोजर फाउंटेन सॉल्यूशन के लिए और अल्कोहल जैसा तो आ रहा है। दिस इज द डिवाइस,
You have also electronic device, but this is most easy and I can say first method. Yeah, just like a PhD. Now it is available in India. Next, मैं दिखाया हूँ कि pH का क्या असर होता है. अगर हम लोग देखें, जितना pH बढ़ेगा, मतलब एसिडिटी उतना कम होते जाएगा. जितना pH लेवल कम होएगा, उतना एसिडिटी ज़्यादा होता है. बराबर? तो हम लोग देखा है, अगर हमारा pH जो है, वो 3-4 इसके तरफ आ गया, तो वो बहुत अच्छा प्लेट को क्लीन कर सकता है. और क्या अच्छा कर सकता है? या जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है. अगर उसमें ज्यादा पीएच हो, मतलब ज्यादा एसिड हो, तो ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है और इंक में पानी घुसने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है. ठीक है? बट उसमें क्या होता है, पीएच कम होने से जैसे उसका एसिडिटी बढ़ता है, तो पेपर के ऊपर ज्यादा कोरोसिव हो जाता है. पेपर का जो ऊपर का लेयर है वो नॉर्मली अल्कलाइन रहता है, उसको ज़्यादा तरीका ज़्यादा खाना चालू करता है, वो पेपर के लिए ज़्यादा हार्श हो जाता है. और पेपर का पेपर के साथ साथ मशीन में भी जो कोरोशन है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है. अगर पीएच हम लोग कम से कम रखे, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में रखे, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा साफ नहीं कर पाएगा. इंक में वाटर घुसने का चांस ज़्यादा रहता है. ये दो मेन उसका माइनस पॉइंट है, बाकी सब प्लस पॉइंट है. इसके लिए हम लोग क्या किया, पीएच को मीडियम ग्रेड में रखा, मतलब 5 का आजू बाजू रखा. पहले के जमाने 4.5 बोलता था, अभी कोई 4.5 में नहीं रखता है, अभी नॉर्मली 5 का आजू बाजू रखता है. 5 का आजू बाजू रखेगा तो सबसे अच्छा वो काम करता है. अगर कोई मेटलिक इंक ज़्यादा चल रहा है तो पीएच को और थोड़ा ऊपर जाके 5.5 पे सेट करता है, जैसे हम लोग पहले बोला. हमारे देश में मैक्सिमम मशीन जो है वो अल्कोहल के साथ चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक बहुत बड़ा बहस है कि अल्कोहल चलाए या अल्कोलेक्स चलाए या अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट चलाए. ठीक है? इसका उत्तर हाइडलबर्ग के तरफ से बहुत सिंपल है. हाइडलबर्ग अल्कोहल के साथ चलाने के लिए कुछ मशीन डिज़ाइन करता है, कुछ मशीन डिज़ाइन करता है अल्कोहल के बिना चलाने के लिए. ठीक है? हाइडलबर्ग की तरफ से इसका उत्तर बहुत सही है कि अगर आपको अल्कोहल के बिना चलाने का है तो अल्कोहल विदाउट अल्कोहल जो मशीन डिज़ाइन है उसको यूज़ करो. अगर अल्कोहल के साथ चलाने का है तो जो अल्कोहल के साथ चलाने वाला डिज़ाइन है उसको यूज़ करो. ठीक है? आप अल्कोहल से साथ चलाने के लिए जो डिज़ाइन है उसको लेके बिना अल्कोहल का मशीन चलाना क्राइम है, गुनाह है, तो वो नहीं चाहिए. भले आप कोशिश करो कि अल्कोहल का परसेंटेज थोड़ा कम रखें, बट विदाउट अल्कोहल वो कभी भी अच्छी प्रिंटिंग नहीं दे सकते. अभी ये अल्कोहल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण जो है ये मेन बोलता है कि अल्कोहल ही ऐसा चीज़ है जो पानी को फैलता भी है और पानी का जो घनापन है उसको भी बढ़ाता है, मतलब पानी का डेंसिटी भी बढ़ा देता है और पानी का फैलना का भी जो क्षमता है वो भी बढ़ा देता है. नॉर्मली ये दो जो है, दो जो क्षमता है ये एक दूसरे का विपरीत है. अगर आप कोई भी लिक्विड को घना कर दोगे तो वो ज्यादा फैलेगा नहीं, या उसको ज्यादा पतला कर दोगे तो फैलेगा, घना करने से नहीं फैलेगा. ठीक है? बट आईपीए एक ऐसा पानी के साथ मिलके एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है जिससे हम लोग देखा है कि हमारा जो पैन रोलर है, जो पानी उठाने वाला रोलर है, वो ज्यादा से ज्यादा चीज पानी उठा सकता है. जब आप अल्कोलेक्स यूज करोगे आप देखोगे कि रोलर उतना ही घूम रहा है लेकिन आपको पानी पूरता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा रोलर का स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है? तो अल्कोहल चीज ही ऐसा है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो आइदर और काम करता है.
ठीक है, मतलब वो इधर पानी को पतला करता है कि वो अच्छी तरह फैले, या पानी को ज्यादा कैरी कर सके, इसके लिए उसको रिएक्शन करते हैं। तो हमारा देश में जो भी आईपीएस सब्स्टिट्यूट है वो नॉर्मली पानी को पतला करते हैं कि वो ज्यादा फैल जाए, ठीक है, बट उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ता है कि हमारा जो रोलर्स है वो रोलर को ज्यादा स्पीड में घुमाना पड़ता है। इसके लिए जो भी अल्कोहल एक्स या अल्कोहल सब्स्टिट्यूट यूज करता है उसका रोटेशन बहुत बढ़ जाता है, 80-90 पे चढ़ा जाता है। अब ये अल्कोहल चेक करने का कुछ तरीका है, इसमें सबसे जो सीधा तरीका है वो है कि आप एक कांच का ग्लास, जो हम लोग पानी पीते हैं जो ग्लास में, वो ग्लास ले, उसमें आधा अल्कोहल डालो आधा पानी डालो, उसको ढक के रख दो। अगर वो 10 मिनट के बाद देखे कि वो मिल्की होना चालू हो गया, दूध दूध दिख रहा है, तो वो अल्कोहल में मिलावट है, ये अल्कोहल आपका काम का उपयोगी नहीं है। अगर वो क्लीन दिखता है तो ये आपका काम का जो, फिर आप वो अल्कोहल लेके काम कर सकते हो। और अगर मान लीजिए उसको आधा थोड़ा अस्वच्छ दिखता है तो ये मिलावट थोड़ा है, और अगर मिल्की दिखता है तो ये नहीं चलेगा। अभी अल्कोहल में ऐसा भी बहुत सारा मिलावट आया है जो ये टेस्ट पे समझ में नहीं आता है, बट ये टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है जो आपको कोई भी केमिकल वगैरह नहीं चाहिए, आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अल्कोहल टेस्टर है उसमें से भी आप नाप सकते हो, आप गिन के उसको 50% पानी 50% अल्कोहल डाल दो हाथ से गिन के, और फिर उसमें नाप के देखो 50% दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, उससे भी आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि अल्कोहल में जब भी वो मिलावट डालेगा उसका घनापन में उसका असर आएगा, और जो हम लोग अल्कोहल टेस्टिंग करते हैं वो उसका घनापन के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उसका डेंसिटी के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। जो प्लावता होता है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं एज ए आर्किमिडीज लॉ, तो जैसा उसमें मिलावट होगा, 1-2% मिलावट कोई नहीं पकड़ सकता है, बट मोर देन 10% डेफिनेटली पकड़ जाएगा। जैसा एरोमीटर का फोटो दिखाया है, एरोमीटर हमारा एरोमीटर ऐसा दिखता है, और एरोमीटर का रीडिंग बाय वॉल्यूम हम लोग लेते हैं। आप देखोगे एरोमीटर में एक थर्मोमीटर भी इनबिल्ट लगा हुआ है। इसका कारण है कि हम लोग को मालूम है पानी जितना ठंडा होता है उतना वो क्या होता है, घना होते रहता है, ठीक है, और फिर एक जगह पे आके 4 डिग्री में आके वो रुक जाता है, फिर वो बर्फ होना चालू करता है, तो वो वापस उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। इसके लिए वो थर्मोमीटर लगा हुआ है, उसमें जो 20 डिग्री मार्क्स है वो 20 डिग्री मार्क्स का हिसाब से, हमारा जो स्केल है वो 20 डिग्री मार्क्स के हिसाब से लगाया है। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी को नाप रहे हो तो आपको कुछ कॉम्पेंसेशन का जरूरत है। नॉर्मली 10 डिग्री टेम्परेचर में ये कॉम्पेंसेशन जो है 3% कॉम्पेंसेशन होता है, मतलब आपको अगर 7% दिखे तो एक्चुअली वो 10% है, आपको दिखने का टाइम पे 7% दिखे। नॉर्मली जो इसमें जो एडिटिव दिखाया है 4% के हिसाब से दिखाया है, हमारा देश में नॉर्मली 2-3% के हिसाब से एडिटिव चलता है, मतलब फाउंटेन सॉल्यूशन चलता है, बट यूरोपियन कंट्री में 4% का हिसाब से चलता है, तो उनका हिसाब से दिखाया है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअल क्वांटिटी में जो है 87% पानी रखेंगे, 3% एडिटिव रखेंगे, 10% अल्कोहल रखेंगे, इस हिसाब से हम लोग पानी बनाएंगे। जब भी ओरिजिनली होता है तो मशीन अगर आपको ऑटोमाइज्ड तरीके से पानी खींचता है तो क्या करता है, वो 97% पानी खींच लेता है और फिर 3% वो फाउंटेन खींचता है उसमें जो डोजर में जो सेटिंग है, और बाकी फिर वो 100% हो गया, और फिर वो 11 टक्का मतलब 11 लीटर अल्कोहल खींचता है, ऐसा 110 लीटर पूरा बनता है जैसा आपका इधर दिखाया है। ओके,
ये ऑटोमेटिक डोजिंग का जो सिस्टम है वो दिखा रहा है हम लोग। जब भी हम लोग रोलर सेटिंग चेक करते हैं, रोलर सेटिंग चेक करने के टाइम हाइडेलबर्ग का स्ट्रिप हो या जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर का स्ट्रिप हो, उस स्ट्रिप से हम लोग चेक करते हैं। और जब भी चेक करते हैं कि दोनों लाइन का बीच का जो एरिया है उसी से हम लोग चेक करते हैं। एक्चुअली ये कैसे फॉर्मुलेशन होता है, इसका एक छोटा सा कि जब भी दो रोलर एक दूसरे में डीप पोजिशन में प्रेशर क्रिएट करता है, तो जो पोजीशन में सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वो जगह पे लाइन नहीं बनता है, उसका दोनों बाजू हल्का सा थोड़ा दो छोड़ के वो लाइन बनता है। जो लाइन आपको दिख रहा है ये जगह पे काला वाला बम्पिंग दिख रहा है, वो जगह पे थोड़ा सा ठीक हो जाता है और उसी से हम लोग उसको डीप पोजीशन को देख सकते हैं। ये जो हम लोग एक्चुअली नाप रहे हैं इधर दो लाइन का बीच में, ये है डीप पोजीशन माप रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं NIP डीप पोजीशन। हमारा जो इंक का जो चाबी है वो चाबी का जो थिकनेस है वो 32.5 mm रहता है। अलग अलग मशीन में वो चाबी का अलग अलग विड्थ हो सकता है। नॉर्मली हम लोग जब इंक छोड़ते हैं तो चाबी से ही छोड़ते हैं, तो ये जरूरी है कि हर चाबी का नाप आपको मालूम रहे कि आपका जो इंक जोन है वो जोन कितना उसका विड्थ है, और वो विड्थ के हिसाब से आपको आगे जो इंक में चेंजेस करने का है वो चेंजेस वो हिसाब से करने का है। दूसरा एक चीज इधर हम लोग बात कर रहे हैं जो है इंक फेडिंग का बात, मतलब अगर हम लोग कोई भी प्रिंटेड शीट को ले और उसको ग्रिपर से लेकर टेल एज तक हम लोग नापे, तो कभी भी एक ही पॉइंट में या एक ही लाइन में सेम डेंसिटी होना चाहिए थियोरिटिकली, बट प्रैक्टिकली हम लोग को कभी भी वो सेम डेंसिटी नहीं मिलता है। इसका बहुत सारा कारण है। एक कारण है कि जो इंक सप्लाई है वो कंटिन्यूस नहीं है, सबसे बड़ा कारण है। वो रुक रुक के होता है, ड्यूअल मोशन में होता है। जो इंक कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यूस नहीं है, वो जिधर अपना अपना प्लेट का जो क्लैंपिंग पोजीशन है उसमें कुछ कंजम्पशन नहीं होता है। इसके लिए जो इरेगुलरिटी ऑफ सप्लाई एंड कंजम्पशन है, इसके कारण ग्रिपर से लेकर टेल एज तक कभी भी डेंसिटी का रेगुलेटरी या इंक सप्लाई का रेगुलेटरी नहीं रहता है। हम लोग ये रेगुलेटरी को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब ये जो असंबद्धता है इसको भी हम लोग पोजीशन को हिला सकते हैं। पोजीशन हिलाने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को हम लोग हिला के, हमारा हाइडेलबर्ग मशीन में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को हिलाने के लिए दिया है। कोई कोई जगह पे मैनुअली हिलाना पड़ता है, कोई कोई जगह पे ऑटोमाइज पद्धति है हिलाने के लिए। जो बड़ा मशीन होता है नॉर्मली उसमें ऑटोमाइज पद्धति दिया है, क्योंकि जो लंबा मशीन है उसमें ये ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि आपका रोलर सेटिंग सही है, रोलर कंडीशन सही है, वह नॉर्मली हाइडेलबर्ग मशीन में 4-5% के ऊपर ये जो असमानता है वो नहीं होता है। फिर भी अगर आपको ये चीज आंखों में दिखे बहुत ज्यादा आंखों में खटके, तो आप ये जो लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है इसको हिला के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ इंक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो हिसाब से आप उसको जगह पे हिला के ला सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रोलर का कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ये है एक्सेस ग्लेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्लेजिंग हो रहा है। अनसुटेबल डायमेंशन चेंज हो जाता है अलग अलग। वेयर एंड टियर ऑफ बियरिंग जर्नल्स रबर सरफेस इवननेस एंड हार्डनेस। इसका कारण क्या है, इसका कारण दिखाया कि रोलर सेटिंग बराबर नहीं है, वॉशअप बराबर नहीं है, वॉशिंग सोल्यूशन बराबर नहीं है, केमिकल्स ठीक नहीं है, मेंटेनेंस बेयरिंग का बराबर नहीं हो रहा है या रोलर का नहीं हो रहा है, और स्टोरेज ठीक से नहीं हुआ है। इसका रिजल्ट प्रिंटिंग में क्या क्या आता है,
कलर वेरिएशन होता है, कलर इनकंसिस्टेंसी, वो सॉलिड जो है वो सॉलिड में नीचे का जो व्हाइट है, पेपर का व्हाइट है वो दिखना चालू हो जाता है, इसको हम लोग मॉटलिंग बोलते हैं। फिर पट्टा पट्टा दिखना है, स्ट्रिक्स या डॉट गेट बहुत हाई हो जाता है, पिंक प्रिंट जो है वो शार्प नहीं रहता है, डर्टी प्रिंट रहता है। रोलर का सरफेस कैसा होना चाहिए? रोलर का सरफेस ऐसा होना चाहिए जैसा दूर से आप लोग को चंद्रमा दिखे, चंद्रमा का सरफेस जैसा उबड़ खुबड़ है, रोलर का सरफेस भी एक्चुअली उबड़ खुबड़ होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं इसका जो छोटा छोटा होल है इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट, ये पॉकेट में वो इंक पकड़ के रखता है, और जैसा क्या बोलोगे, इंक पीसने के लिए, इंक को ग्राइंड करने के लिए, जैसा हमारा पहले का जमाने में सीला होता था ना, पत्थर के ऊपर हम लोग अपना मसाला पीसता था, वो कभी प्लेन हो जाता है तो उसको वापस हम लोग ग्राइंड करके लेता था, छेद करके जो अच्छा पीसे, इसके लिए पीसने के लिए ये जो पॉकेट्स ये होना बहुत जरूरी है। और ये उबड़ खुबड़ जो सरफेस है ये एक्चुअली इंक को ग्राइंड ज़्यादा अच्छा करता है, और जब भी इंक अच्छा ग्राइंड होगा तो इंक वाटर बैलेंस अच्छा होगा, इंक का कंसिस्टेंसी अच्छा होगा, कलर कंसिस्टेंसी अच्छा होगा। जब भी इंक चलते रहता है तो इंक, बहुत सारा इंक में कैल्शियम कंटेंट होता है, पेपर का भूसा आता है, या अपना जो फाउंटेन सोल्यूशन है उसमें भी कैल्शियम कंटेंट रहता है, तो इंक के ऊपर कैल्शियम का एक चादर चढ़ जाता है, जो रोलर्स है ये रोलर के ऊपर एक कैल्शियम का चादर चढ़ जाता है, कोई कोई जगह पे भूसा का चादर चढ़ जाता है, तो ये जो है ये क्या कर देता है, ये रोलर को ग्लेज कर देता है, मतलब रोलर का जो सरफेस है सरफेस को प्लेन कर देता है। तभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कैल्शियम निकालने के लिए कैल्शियम रिमूवर यूज़ करना पड़ेगा, कैल्शियम रिमूवर यूज़ करके हम लोग कैल्शियम निकाल देता है। इसके अलावा हम लोग और एक चीज़ यूज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीग्लेजर। डीग्लेजर में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो उसको वापस उबड़ खुबड़ बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कलर चेंज करने का है तो हम लोग को पॉकेट में जो इंक जमा है उसको निकालने के लिए स्पेशल क्लीनिंग पेस्ट यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो पॉकेट में जो इंक है वो भी पिघल के बाहर आ जाए, और नेक्स्ट दूसरा इंक जब आएगा तो वो इंक के ऊपर वो उसका असर ना रहे। रोलर रखते टाइम हमेशा रोलर को बेयरिंग का ऊपर रखना चाहिए, बेयरिंग का सहारा रखना चाहिए, रबर सरफेस पे उसका दाब नहीं आना चाहिए। अगर रबर सरफेस पे उसका दाब आए तो रबर सरफेस जो है वो गोल नहीं रहेगा, उस पर स्लॉट आ जाएगा, पे दाब आ जाएगा, तो फिर वो आगे जाके दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिफरेंट डैमेज दिखा रहा है, ठीक है। रोलर कुछ साइड से डैमेज हो जाता है, कुछ इंक बिल्ड होके फिर वो इंक सूख के डैमेज होता है, जिसमें छोटा 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 होल हो जाता है, उसका बियरिंग, उसका शाफ्ट, सभी को मेंटेनेंस होना चाहिए। कुछ खराब केमिकल की वजह से केमिकल डैमेज दिखाया है, अगर बैड वॉशिंग है, वॉश रह गया रोलर में तो भी वो असर करता है, वो नीचे दिखाया इफेक्ट ऑफ बैड वॉश। एक्चुअली वॉशिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं देता है, अरे इंक साफ हो गया बस हो गया छोड़, बट ये जो वॉशिंग है ये काफ़ी दूर तक उसका इफेक्ट रहता है। नॉर्मली जब भी वॉश अप्लाई होता है तो बहुत कम से कम वॉश अप्लाई होना चाहिए, जितना जरूरी है उससे ज़्यादा वॉश अप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वॉश अप्लाई होगा तो वो उड़ेगा, वो रोलर में रह जाने का चांस है। जब भी रोलर घूमता है तो वॉश जो है वो इंक को खाली लूज करने के लिए रहना चाहिए, इंक को लेके उसको धो के डालने का नहीं, धोने के लिए पानी है बाद, इंक को लूज करने के लिए कि वो रबर सरफेस छोड़ दे, ठीक है, और फिर वो पानी के साथ इमल्सिफिकेशन होके बाहर निकल जाए, ये पद्धति होना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके उतना ही वॉश यूज करना रहता है, वॉश जो है ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए कि वो रबर केमिकल के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करे, वो रबर को खा डाले। हम लोग को रोलर सेटिंग जो है
इंक रोलर का सेटिंग महीने में एक बार चेक करना जरूरी है। जो डैम्पिंग रोलर का सेटिंग है वो हफ्ते में एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, और कोई भी 6 महीने में एक बार रोलर बाहर निकल के अच्छी तरह साफ करके मैनुअली चेक करके उसको रिविजुलेट करके हम लोग वापस उसको डाल के सेट करना चाहिए। ये पद्धति होना ही चाहिए। रोलर से जब इंक निकलता है तो डी इंकिंग होना चाहिए, मतलब इंक कम से कम होना चाहिए। और लास्ट में हमारा रोलर में पानी या वॉश कुछ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि लास्ट में अगर हम लोग 50% पानी और 50% वॉश का 50% पानी और 50% IPA मिलो के एक सोल्यूशन डाल देगा तो, और थोड़ी देर में घुमाएगा तो जो भी पानी या रोलर वॉश का कुछ सॉल्वेंट रहेगा तो पूरा निकल जाएगा, वो बाकी इवेपोरेट हो जाएगा। तो अपना वॉशिंग प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि वॉशिंग प्रोसीजर के बाद में रोलर एकदम ड्राई हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि वॉशिंग के बाद कुछ देर तक, मान लीजिए 5-10 मिनट रोलर को घुमाते रहे कि उसमें जो रेसिड्यू बचे वो पूरा निकल जाए। फर्स्ट जो है कि इसको केमिकल टेस्टिंग होता है, एक होता है केमिकल टेस्टिंग, एक होता है फिजिकल टेस्टिंग। जो केमिकल टेस्टिंग है हाइडलबर्ग, इसके लिए फोगरा के ऊपर डिपेंड करता है। फोगरा इसमें से मैक्सिमम वॉश को वो टेस्ट किया है और वो सर्टिफाइड किया है कि ये वॉश जो है ये केमिकली इतना हार्श नहीं है। जो टेक्नोवा है आज का दिन में टेक्नोवा के पास 2-3 वॉश है जो फोगरा अप्रूव्ड है। नॉर्मली हाइडलबर्ग ऑलवेज गो फॉर फोगरा अप्रूव्ड वॉश, जैसा HM के वॉश हो गया या DP वॉश हो गया, ड्यूअल पर्पस वॉश हो गया टेक्नोवा का, ऐसा हाइड्रोसॉल्व का A111 कॉम्बी वॉश हो गया। नॉर्मल जो वॉश है उसमें भी जैसा BMW वॉश है या हाइडलबर्ग का खुद का जो है सफीरा ब्रांड का, सफीरा का भी कन्वेंशनल वॉश है, जो बोचरिन 60 है या वार्न 60 है, वो सब कन्वेंशनल वॉश है। दे आर ऑल फोगरा अप्रूव्ड वॉश, एग्जैक्टली 100%, बिकॉज केमिकली वी आर वेरी कैसे, हम लोग नवीश है, हम लोग को उतना मालूम नहीं है केमिकली, कौन जाएगा केमिकल टेस्ट करने के लिए। तो केमिकल टेस्टिंग के ऊपर हम लोग को फोगरा के ऊपर संपूर्ण विश्वास है। फोगरा जो हमको बोलता है कि ये वॉश आप यूज करो, आपका अगर वॉश कोई वॉश आपके पास आए तो सबसे पहले आप फोगरा ORG वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना का है कि वॉश है क्या नहीं लिस्ट में। फोगरा बोल देगा कि कौन सा मशीन के लिए वो अप्रूव किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में मान लीजिए आपके पास 3 वॉश आ गया जो फोगरा अप्रूव्ड है, एक ही कंपनी का है या अलग अलग कंपनी का है, फिर उनमें से कौन सा चुनने का है ये देखने के लिए हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है डॉट टेस्ट, मतलब वॉश का एक बूंद आप प्लेट के ऊपर रख दो और चेक करो कि ये प्लेट उड़ता है क्या। पर्टिकुलर आपका जो प्लेट है, जो कंपनी का प्लेट है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी वो आता है उसके ऊपर एक ड्रॉप वो रख दो फॉर से 10 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के बाद देखो कि वो उड़ता है क्या। अगर उड़ता है तो ना यूज करना अच्छा है, क्योंकि वो प्लेट वीक होने का चांस है, एक नंबर। दूसरा टेस्ट है कि आप उसको प्रैक्टिकली देखो कि वो पानी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इंक वाटर मिजरेबल है क्या, वाटर मिजरेबल है क्या वो पहले चेक करो। अगर पानी के साथ वो नहीं मिलता है तो
तो जब भी आपका वॉशिंग प्रोसीड्योर में एक जगह पे आता है, जब भी एक बार वॉश एक बार पानी, एक बार वॉश एक बार पानी छोड़ता है, तो अगर पानी के साथ वो नहीं मिलेगा तो वो प्रोसीड्योर में वो साफ नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो वो अगर आपको यूवी है तो ये प्रक्रिया जरूरी नहीं है, और अगर कन्वेंशनल है तो इट्स बहुत जरूरी है कि वो पानी के साथ उसका जो मिलावट मिलान है वो बराबर हो। एक नंबर। सेकेंडली, फिर आपका कंडीशन में आपका रोलर के ऊपर प्रैक्टिकली आप टेस्ट करो कि वो पूरी तरह इवेपोरेट हो रहा है, एंड ऑफ द वॉश कुछ रह जा रहा है या पूरा निकल जा रहा है। सेम कंडीशन, अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत मॉडरेट करना पड़े तो आपको वॉश प्रोग्राम से वो मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग देखा है कि 80% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है अगर आप फोग्रा अप्रूव ले रहे हैं तो। देन इट इज ऑलरेडी इट इज अ गुड वॉश, देन इट इज ऑनली बेटर और बेस्ट, ये रह जाता है। देन इकोनॉमी इज डेफिनेटली अनदर। रोलर सेटिंग जैसे हम लोग देखा है, डीप हम लोग चेक करते हैं, डीप पोजीशन मार के प्लेट के ऊपर हम लोग रोलर से चेक करते हैं कि रोलर सेटिंग, देखिए आपका डीप पोजीशन दिखाया है, जो जगह पे प्रेशर रिलीज हो जाता है उधर हमारा लाइन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग ठीक तरीके से इसको मेंटेन करें, रोलर सेटिंग को, हम लोग देखा है कि करीब करीब 30% हमारा इंक जो है वो सेव होता है। इसके अलावा अच्छा इंक आता है, हमको तकलीफ नहीं देता है, जल्दी इंक आ जाता है, वो सब तो है ही। जो डिफरेंट डिफरेंट हाइडलबर्ग मशीन है उसमें दिखाया है कौन सा जगह पे इतना सेटिंग रखने का है, एक CB74 का दिखाया, एक 102 का दिखाया, एक एक्सेल का, अलग अलग मॉडल में अलग अलग रोलर का डिज़ाइन होता है, वो हिसाब से रोलर का डीप पोजीशन कौन सा जगह पे कितना रहना चाहिए वो भी सेट होता है। वो जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोम रोल या डाल क्रोम रोल, ठीक है। इसमें ये डैम्पिंग रोल का जस्ट नीचे रहता है और डैम्पिंग रोल को ये ड्राइव देता है, ये क्रोमियम का मेड रहता है और इसका जो ऊपर का सरफेस है प्लेट के जैसा, उसमें ग्रेन्स रहता है। ये हमारा रोलर ट्रेड में सबसे अहम रोलर है, इसको कभी भी मौका मिले इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं सेम एज प्लेट। पहले उसको जीपी वगैरह से साफ कर लेते हैं, उसमें कुछ ग्रीज ऑयल नहीं रहना चाहिए, उसके बाद उसको पानी मार के अच्छी तरह साफ करके हम लोग उसको हल्का सा एक गम का लेयर बना देते हैं और उसको सूखने देते हैं। जो गम है उसका वो गम उसको ऊपर जो ग्रेडी इफेक्ट है वो इफेक्ट को और अच्छा कर देता है। उसके बाद हम लोग उसको इंक लेके सेट करते हैं। ये रोलर का लाइफ डिपेंड करता है इंक पार्टिकल के ऊपर, नॉर्मली इंक पार्टिकल और पेपर में कितना भूसा है ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इन नॉर्मल कंडीशन हम लोग देखा है कि 10 साल तक तो आराम से चलता है, बट अगर हम लोग जैसा कोई स्पेशल व्हाइट यूज कर रहे हैं यूवी का जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है, या हम लोग जैसा मान लो कोटिंग यूज करता है, इफेक्ट कोटिंग यूज करता है जिसमें सैंड पार्टिकल जैसा पार्टिकल रहता है, तो फिर ये जल्दी खराब होता है। नहीं, ये रिपेयरेबल इधर नहीं है, अभी तक कोई ये कोटिंग बनाना नहीं, इसको फिर बाहर भेज के रिपेयर कर सकते। नहीं, अभी तक कोई ऐसा मतलब सक्सेसफुल कंपनी नहीं मिला अभी तक रिकमेंड करने के लिए। बट इसमें ड्रॉप टेस्ट करते हैं हम लोग, जैसे इधर दिखाया है ये ठीक है क्या नहीं देखने के लिए, ऊपर से एक बूंद पानी डालता है, वो अगर तुरंत नीचे आ जाता है जैसा एकदम ग्रेड फोर में दिखाया तो वो बराबर नहीं है। अगर वो धीरे 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 भीगते भीगते नीचे आ रहा है जैसा ग्रेड वन में दिखाया तो वो सबसे सही है। हमको ये टेस्ट पीरियडिकली करना चाहिए, जैसा हम लोग रोलर बाहर निकालते हैं 6 महीने में, तो एक बार बिल्कुल देखना चाहिए और उसके साथ साथ ये रोलर को ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। रोलर हार्डनेस चेक करने के लिए हमारे पास सोर ड्यूरेमीटर मिलता है, जिसको सोर ए टाइप ड्यूरेमीटर बोलता है, जैसा फ्लेक्सिबल सरफेस का हार्डनेस चेक करने के लिए हम लोग नॉर्मली रोलर का 3 जगह में
अलग अलग पोजिशन पे हार्डनेस चेक करके उसका एवरेज निकलता है और वो एवरेज लेके काम करते हैं। जो कन्वेंशनल रोलर्स है उसको एवरेज 25 डिग्री सो रहे हार्डनेस का आजू बाजू रहना चाहिए, जो कॉम्बी रोलर होता है 38 डिग्री को हार्डनेस का आजू बाजू रहना चाहिए। रोलर मेंटेनेंस चार्ट है, इसमें दिखा रहा है कि कौन सा जगह पे क्या करना पड़ेगा। जैसा हार्डनेस चेक 3 महीने में एक बार करने का है, विजुअल रोलर सरफेस चेक 3 महीने में करने का है, हर महीना रोलर सेटिंग चेक करने का है, रोलर क्लीनिंग डेली एक बार करना है, क्लीनिंग मतलब नॉर्मल क्लीनिंग वॉश, फिर कलर चेंजिंग के लिए तो कभी भी होना चाहिए, रोलर डीकैल्सिफिकेशन एक बार वीकली होना चाहिए, डीप क्लीनिंग एक बार वीकली होना चाहिए, बेयरिंग चेक 3 महीने में होना चाहिए, 6 महीने में एक बार होना चाहिए रोलर को बाहर निकाल के उसको रिविजिनेट करने का। और फिर जो बेयरिंग्स वगैरह है नॉर्मली 12 महीने में एक बार चेंज करना। डेंसिटी का एकदम सिंपल थ्योरी दिया है, आपका जो टारगेट डेंसिटी है उसका माइनस करो एक्चुअल डेंसिटी और उसको टारगेट डेंसिटी में डिवाइड करो इनटू 100 करो, तो आपका जो डेंसिटी डिफरेंस है वो मिल जाएगा। ये डेंसिटी डिफरेंस जो है परसेंटेज में मिलेगा, देन यू कैलकुलेट द डायो एज ए परसेंटेज, जो आपका ओपनिंग है वो परसेंटेज वो हिसाब से आप बढ़ाओ। जैसे दिखा रहा है आपको अगर चेक करने का है कि आपका प्लेट पे ऑप्टिमम वाटर मतलब वाटर सप्लाई जो है वो कम ज्यादा हो रहा है क्या, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप अगर ग्रिपर में कुछ 80% पैच डालते हो तो वो 92-93% का अनुमान जो रहना चाहिए। अगर ये 94 का ऊपर चला गया तो एक्सेस वाटर है, अगर 90 का 91 वगैरह आ जाएगा तो ये एक्सेस में वाटर सप्लाई जो है कम है। और एक चीज़ हम लोग बोलते हैं हमेशा, ये बहुत इजी तरीका है, कोई भी स्थिति में अगर आप मशीन को रोक के देखते हो तो प्लेट में एक हल्का सा स्कम का लाइन होना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं ये स्कम का लाइन ऐसा आना चाहिए कि ये प्लेट पे आए लेकिन पेपर पे ना आए, अगर ऐसा हो तो हम समझेंगे कि ये जो पानी हम लोग छोड़ रहा है वो पानी सही है। देखिए प्रिंटिंग ऐसा खेल है कि आप कितने कम से कम पानी में चला रहे हो, ये आपका हुनर के ऊपर है, और जो जितना कम से कम पानी में छाप सकते हो वो उतना अच्छा ऑपरेटर है, क्योंकि जब भी पानी आप कम करोगे तो आपका आधा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जितना पानी कम करोगे आपका प्रिंटिंग का शार्पनेस बढ़ेगा, जितना पानी कम करोगे प्रिंटिंग का ग्लेज बढ़ेगा, चमक बढ़ेगा। तो कौन कितना कम से कम पानी में छाप पाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना अच्छा प्रिंट करता है डायरेक्ट। हम लोग प्रिंटिंग का एक चेकलिस्ट आपके सामने दिखा रहा है कि कैसा होना चाहिए। शुरू में जब ये आता है तो हमारा मशीन जो है वो ठंडा रहता है, तो पहले उसको 8-9 हज़ार स्पीड में थोड़ा 10 मिनट भगा के मशीन रोलर वोलर सब गर्म कर ले, जैसे वार्म अप होता है ना, हम लोग सुबह जैसे वार्म अप करते हैं। फिर क्या करने का, फिर डैम्पिंग सोल्यूशन वगैरह चेक करने का, प्रेस का सेटिंग कौन सा यूनिट का क्या सेटिंग है, वो कंट्रोल यूनिट सेटिंग साइज वगैरह ये सब बांध लेने का। फिर क्या करने का, इंक प्रोफाइल अगर इधर आप खुद हाथ से बांधो या पीपेस से मंगाओ, ठीक है, इसके बाद प्लेट लगाओ, रजिस्टर पिन वगैरह बराबर बैठा है क्या चेक करो, फिर पेपर चला के देखो पेपर बराबर चल रहा है क्या, पेपर स्मूथली फीडर टू डिलीवरी चल रहा है, सब सेटिंग उस पर कर लो, सेटिंग बराबर हो गया फिर आप इंक चार्ज करो। एक बार इंक चार्ज हो गया फिर आप प्री इंकिंग करो, प्री इंकिंग से आप चालू करो मशीन, और हमेशा याद रखो कि वो जो स्कम लाइन है वो प्लेट में रहना चाहिए, पेपर में नहीं रहना चाहिए, इन हिसाब से आप पानी को बराबर रेगुलेट करो। एक बार ये हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा एक दो डाल के आप बड़ा पुलिंग दो जिसमें कलर सेट हो जाए, कलर अगर सेट नहीं है तो वापस उसको करेक्शन करो, वापस उसको वोल्टेज डाल के कलर को सेट करके लो। एक बार कलर सेट हो गया फिर आप लंबा रन पे जाओ। तो अब आज हम लोग जो कुछ सीखा है इसको हम लोग को आगे हमारा दोस्त लोग जो है हमारे साथ काम करने वाला जो है उनसे भी शेयर करने का है, उनसे भी सीखने का है, और उनको ये सिखाने का है
क्योंकि हमको हाथ बटाने वाला वही है, हमको मदद करने वाला वही है। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन इधर भी खत्म होता है। अगर आप कोई क्वेश्चंस रहेगा, ओपन क्वेश्चंस तो आप लोग कर सकते हो। देखिए, होस्टिंग जो होता है दो तरीके से होता है प्रैक्टिकल। एक को हम लोग बोलते हैं रिपीट होस्टिंग, जिसमें नीचे का जो चीज़ है ऊपर दिखता है, और एक को बोलते हैं लाइन होस्टिंग, जो ऐसा खड़ा लाइन आता है। ठीक है, ये दो चीज को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। जो रिपीट होस्टिंग होता है ये डिपेंड करता है इंक सप्लाई कम या ज़्यादा के ऊपर, एक बात। दूसरा है इंक कितना स्ट्रांग या लाइट है। तो नॉर्मली जब भी घोस्टिंग का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले स्टेप हम लोग बोलते हैं एक कन्वेंशनल इंक डाल के आप देखो घोस्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कन्वेंशनल इंक डाल के भी वो घोस्टिंग दिख रहा है, तो हम लोग मशीन में जो भी है, मतलब रोलर सेटिंग हो या मशीन का कुछ अलग सा सेटिंग हो, जैसा गियर वगैरह हो, गियर से भी आता है कभी घोस्टिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में इंक का बियरिंग्स वगैरह हो, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आप इंक चला के वो घोस्टिंग नहीं जाता है, फिर हम लोग इंक को मॉडिफाई करने का सोचते हैं। कोई कोई जगह पे ऐसा आता है कि कितना भी मॉडिफाई होने के बाद भी नहीं घोस्टिंग नहीं जाता है, तो वो जगह ओरिएंटेशन को घुमाते हैं। मतलब जो अल्टीमेटली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक डिस्ट्रीब्यूशन, इंक का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर का ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर हो सकता है कि इंक का स्ट्रेंथ की वजह से हो या इंक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से ना हो। अब इंक पार्टिकल जो है वो इंक बराबर ग्राइंड नहीं होगा तो भी घोस्टिंग आ सकता है। तो पहले उसको सेग्रीगेट करना जरूरी है कि उसको कौन सा तरीका का है। अगर आपको कन्वेंशनल इंक साइन चला के वो घोस्टिंग नहीं दिखता है, तो आपको इंक के बारे में जाना पड़ेगा या डिजाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर कन्वेंशनल इंक चला के भी वो दिखता है, तो फिर आपको मशीन कंपोनेंट या रोलर का स्थिति, रोलर सेटिंग, रोलर का कंडीशन, ये सब के ऊपर ध्यान देना। हाँ, खड़ा भी आता है। ये कौन सा इंक में आता है, कन्वेंशनल इंक में आता है और स्पेशल इंक में आता है कि नॉर्मल इंक में आता है, फोर कलर इंक में आता है स्पेशल। फोर कलर में अगर आता है तो फिर डेफिनेटली मोस्ट डाउट होता है रोलर के ऊपर। रोलर और जो आप लोग इंक डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा था, घड़ी वाला जो 1 2 3 4 5 6, ये जो घड़ी है इसका अगर सही नहीं हुएगा तो भी ये घोस्टिंग आएगा। फिर आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करना चाहिए। फिर उसमें भी आप लोग कुछ कुछ चीज, जैसे सप्लाई रोल ऑफ करके कुछ सीट चलाएगा तो उसमें भी घोस्टिंग दिख रहेगा, ये देखते हैं। कभी कभी सप्लाई रोल का जो मूवमेंट है उससे भी घोस्टिंग क्रिएट होता है, तो हमको वो देखना चाहिए। कभी कभी होता है बिकॉज एक्सेस वाटर के वजह से घोस्टिंग हमेशा ज्यादा दिखता है। चौथा रोल उठाने का जो बात है ना, इसमें मैं थोड़ा सा नाराज, मतलब मैं थोड़ा सा ना बोलता हूँ, बिकॉज चौथा रोल उठाएगा तो स्ट्रीक आने का, पट्टा आने का चांस बढ़ जाएगा। चौथा रोल उठाएगा तो पट्टा आने का चांस बढ़ता है। अरे हाँ, वो लाइन घोस्टिंग का बात कर रहा हूँ। लाइन घोस्टिंग के लिए ऑक्सीलेशन बढ़ाना पड़ेगा, रिपीट घोस्टिंग उसके लिए नहीं जाएगा। लाइन घोस्टिंग के लिए आप ऑक्सीलेशन खोल दो, सबसे ज्यादा चौथा रोल है, येलो वाला रोल जो आप लोग बोलते हैं, उसका ऑक्सीलेशन नहीं खोल लेगा कभी। बाकी तीन रोल का ऑक्सीलेशन खोल दो, ठीक है। हाँ, नॉर्मली रेड और ब्लू, जरूरत पड़े तो व्हाइट का भी खोल दो, तो उसमें घोस्टिंग चला जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि चाबी भी, साइड वाला कोई चाबी को जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा कम, ज़्यादा या कम रखना पड़े, वो डिपेंड करता है मतलब कैसे ऑपरेटर उसको संभालता है।
जो ड्रॉप टेस्ट करने वाला रोल जो बोल, स्टील रोल को खराब होने के लिए सबसे दो तरीका, उधर भी एक है उसमें ऐसा लाइन 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 आ जाता है, वो आता है कोरोसन के लिए, क्रैक क्रैक आता है मैक्सिमम ठंडा होने से। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है रूम टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर, जैसा हम लोग बात कर रहा था, ये डिफरेंस अगर 20 के ऊपर चला गया वो क्रैक होएगा, क्योंकि वो आधा पानी में टच होता है, आधा वो मतलब बहुत जल्दी वो गीला होता सूखता है, गीला होता सूखता है। तो कोई भी सरफेस को एक बार अगर ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म ठंडा गर्म बहुत ज्यादा जल्दी होता है ना, तो वो क्रैक होएगा ही होएगा। तो स्टील रोल में क्रैक आने का मैक्सिमम चांस है ये डिफरेंस। और कुछ नॉर्मली कन्वेंशनल रोलर के लिए 25-28 फॉर इंकिंग एंड 22-25 फॉर टैम्परिंग। अगर कॉपी है यूवी के साथ है तो 38 प्लस माइनस 3 फॉर इंक एंड टैम्परिंग। देर आर टू डिफरेंट मेथड, वन इज इन कॉपी रोलर ऑल्सो हम लोग नॉर्मल डैम्परिंग यूज करते हैं, उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, बट डैम्परिंग रोलर जल्दी खराब होता है। उसमें हम लोग 25 डिग्री रखते हैं। अगर हम लोग कॉम्बी डैम्परिंग यूज करें तो उसका 28-30 रहता है। यूज होने के बाद नॉर्मली वो 5 डिग्री ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं आएगा। नीचे आएगा मतलब वो केमिकल स्वेलिंग हो रहा है, नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आएगा तो फिर रबर जो है वो सही नहीं है, ऊपर ही जाना चाहिए। और कॉम्बी रोलर में कॉन्वेंशनल कॉम्बी रोलर में आपको कॉम्बी वासी यूज करने का है। हम लोग देखा है कॉम्बी रोलर में जो लोग कन्वेंशनल वासी यूज करते हैं वो बहुत जल्दी बेकार होता है, कॉम्बी रोलर में जो यूवी वासी यूज करते हैं वो भी हार्श होता है, बट कन्वेंशनल रोलर इज वेरी हार्श फॉर कॉम्बी रोलर। उसके लिए उसको ड्यूअल वासी यूज करने का फुल टाइम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, गंगुली सबका लास्ट स्लाइड बोल रहा है डोंट फॉरगेट टू अप्लाई व्हाट वी शेयर टुडे। तो ये अपने पूरे सेशन का एक मोरल है कि अपन जो भी आज शेयर किया है वो एप्लीकेशन करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट अपने को मिलेगा। और आज अपन ने देखा कि हेडलबर्ग के जो गंगुली सब का जो एक्सपीरियंस है इज ट्रेमेंडस, उनके हर सवाल का परफेक्ट जवाब है और डिटेल जवाब है। तभी थोड़ी देर वो बाहर हैं आपके साथ में, अगर आपको ऐसा कोई सवाल जो याद आता है तो आप प्लीज़ इनसे उनका एडवांटेज ले सकते हैं उनके नॉलेज का। और एक चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है जो आज अपन ने स्ट्रेस किया है, वी ऑल नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अपना जो भी प्रॉब्लम्स अपन जो एंटिसिपेट करते हैं या जो भी सोचते हैं कि भाई ये हमको 6 महीने या 12 महीने के बाद में आना है, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेके, जो सिंपल है, एक बेयरिंग आपका गया है और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा कैम जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन ध्यान रखते हैं तो आई थिंक इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। साहब ने जैसे बताया हर एक मशीन के अंदर एक इंडिविजुअलनेस है, किसी के अंदर वीकली, मतलब हर एक के अंदर डेली, वीकली, मंथली, बाई एनुअली एंड एनुअली। अगर हम मेंटेनेंस परफेक्ट रखेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखेंगे तो आई थिंक वील ऑल हैव फैंटास्टिक प्रिंटिंग। स्पेशल थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, वी आर हाईली ओब्लाइज। और हम ये चाहेंगे कि जब भी हमको जरूरत पड़े आप प्लीज़ हमारे लिए आके हमको सलाह दीजिए, हमको ट्रेन करिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।